मिनी हाउस। एक गांव में रतन नाम का रियल एस्टेट मीडिएटर हुआ करता था। वो बहुत लालची था। एक दिन रतन, छा, मुझे इस बिजनेस में 10 साल का एक्सपीरियंस होने पर भी करोड़पति होने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। इसकी उन लालच देखते हुए एक रियल एस्टेट व्यापारी दर्शन रतन के पास आकर, देखो रतन भाई, मेरा नाम दर्शन है। गांव के बाहर मेरे पास एक रियल एस्टेट वेंचर है। आप ये मीडिएटर का काम छोड़कर एक बार में करोड़पति बनने वाला रियल एस्टेट स्कीम बताता हूँ। रतन, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन देखकर लगता है भगवान खुद इसे मेरे पास भेजे हैं। यू मन में सोचकर, भैया आप भगवान के रूप में आए हो, मैं ऐसे ही सही अवकाश की राह देख रहा था। बताओ भैया, आपका वेंचर जहाँ पर भी हो, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को 100 कस्टमर्स पर उपयोग करके आपका वेंचर सक्सेसफुल बनाऊंगा। तब दर्शन कुछ ब्रोचर्स देखकर, इन ब्रोचर्स में वेंचर डिटेल्स है। वेंचर प्लॉट्स रेगुलर रूल्स के हिसाब से बेचोगे तो एज यूजुअल मुझे लैक्स और तुम्हें चिल्लर ही मिलेगा। तुम्हारा एक्सपीरियंस लेकर एक ही प्लॉट को एक दो को बेच दिए तो 3 महीने में करोड़पति बन सकते हो। डील ओके है क्या? रिस्क तो बहुत है। हाँ, वैसे भी रियल एस्टेट में जितना रिस्क लेते हो उतने पैसे मिलते हैं। इस जैकपॉट को बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। मुझे डील मंजूर है भैया। रतन वो ब्रोचर को लेकर अच्छे से स्टडी करके, हाँ, इस वेंचर के प्लॉट्स को बेचने के लिए मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट करना होगा। वे हो तो फेस्टिवल डिस्काउंट AO से आकर्षित होते हैं। एक ही फ्लैट कई लोगों में बेच दूं तो वे उनमें ही लड़ाई करेंगे और हम तक कभी नहीं पहुंचेंगे। यस, अटैक मिडिल क्लास एम्प्लॉयज। कहकर रतन एक ऑफिस में आकर अपने जान पहचान वाले रामलाल से मिलकर उसे पूरी बात बताया। देखो रामलाल भाई, कब से आपके ऑफिस कलीग्स पूछने वाले रेट के हिसाब से एक वेंचर मिला है। फेस्टिवल डिस्काउंट भी चल रहा है भाई। आपके अपने घर का सपना सच करना चाहते हो, इसीलिए ये ऑफर आपको बता रहा हूँ। अगले दिन रामलाल अपने कलीग से वेंचर के पास आकर रतन को पैसे देते हुए, रामलाल, हम सबका अपने घर का सपना तुम्हारी वजह से पूरा हो रहा है, इसीलिए धन्यवाद। जल्द ही इस प्लॉट पर हम घर बनवाकर आपको बुलाएंगे, आप जरूर आना, कहकर चले गया। इस तरह रतन दर्शन दोनों वेंचर के एक एक प्लॉट को 2-3 लोगों को बेचकर बहुत पैसे कमाकर उसके हिस्से के करोड़ों रुपए को देखकर रतन, दर्शन भाई, इतने समय से रियल एस्टेट में हूँ लेकिन इतने पैसे एक साथ में कभी नहीं देखे, लेकिन आपकी वजह से कुछ ही दिनों में करोड़ों कमा लिए। थैंक यू वेरी मच भाई। कुछ दिनों बाद रतन के पास रामलाल आकर, रतन भाई, जो प्लॉट्स आप हमें बेचे वे सारे डबल रजिस्ट्रेशन में है। आप पर विश्वास करके हमने हमारे पूरे पैसे लगाकर उसे खरीदा। वैसे एक प्लॉट को 2-3 लोगों के बीच कैसे रजिस्ट्रेशन करते हो? हमारे पैसे हमें दे दो। तब रतन, देखो रामलाल, मैं सिर्फ मीडिएटर ही हूँ। आपसे पैसे लिए, प्लॉट्स रजिस्ट्रेशन करवाया तो मेरा काम वही ख़त्म हो गया। बस खेल ख़त्म, दुकान बंद। बाकी के बातें आप ही आपके बीच देख लीजिए, बस। कहकर वहां से वो चला गया। तब रामलाल, अरे पूरे जीवन में इतनी मेहनत से कमाए सारे पैसे लगाकर और मुझ पर विश्वास करके मेरे कोलिग्स ने भी पैसे डाले, सब बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं भगवान? यूं सोचकर दुखी हो रहा था। अगले दिन रतन के सेलफोन पर एक कॉल आया। हेलो रतन भाई, मैं आपके पास प्लाट खरीदा वो विजय बोल रहा हूँ। हमारे इनकम टैक्स ऑफिस में IT राइट्स लिस्ट में आपका नाम है, थोड़ा ध्यान से रहो। कहा। वहाँ एक एग्जीक्यूटिव ड्रेस में रहने वाला प्रणव नाम का आदमी आकर, सर मैं LPM इंटरनेशनल कंपनी से आ रहा हूँ। सिटी में होने वाले ब्लैक मनी होल्डर्स लिस्ट में आपका नाम भी आया है। कंग्रेचुलेशन सर, आप भी बिग शॉट लिस्ट में आए हैं सर। आपके ब्लैक मनी को इनकम टैक्स वालों के पकड़ में ना आकर आपकी जायदाद में बदल देंगे। इसके लिए हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो लग्जरी विल्ला को आप ब्लैक मनी देकर खरीदना होगा। स्विस बैंक की तरह हम भी अपना कस्टमर डिटेल्स किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं सर। कहकर लैपटॉप खोलकर लग्जरी विला फोटोज दिखाते हुए, इन विला के बगल में एयरपोर्ट, शिपयार्ड सब सुविधा है सर। आप जैसे ब्लैक मनी कमाने वाले बहुत है और हमारे जैसे विला बेचने वाले कम है, तो जल्दी सोचिए, लिमिटेड ऑफर है सर। कहकर निकल गया। फिर वो दर्शन को फोन मिलाकर जो हुआ सब बताकर, हमारा ब्लैक मनी सेव करने के लिए हमें वो विला खरीदना चाहिए। दर्शन रतन के रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस पर भरोसा करके ओके कहा। अगले दिन प्रणव आकर लग्जरी विला के ब्रोचर्स और डॉक्यूमेंट्स को रतन दर्शन को देकर पैसे लेकर चला गया। तब दर्शन, इतने सालों से रियल एस्टेट में हूँ फिर भी समझ नहीं पाया कि बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले अपने ब्लैक मनी कैसे छिपाते हैं। अब करोड़पति बनने के बाद ही ये सब जानकारी हो रही है, कहते हुए खुश हुआ।
कुछ दिनों बाद रतन दर्शन अपने खरीदे लग्जरी विला को देखने के लिए ब्रोचर में डाले एड्रेस के हिसाब से आए। वहाँ मिनिएचर सिटी कंस्ट्रक्शन बनते हुए देखकर दंग होकर रतन, अरे ये क्या, हमने इतने पैसे डालकर खरीदा लग्जरी विला जो लिलीपुट के लिए बनाए गए हो, प्रकार इतने छोटे से है। जैसे प्रणव ने बोला, यह एयरपोर्ट, शिपयार्ड सब है, लेकिन वो भी लिलीपुट के लिए ही है। भैया 5 करोड़ वो धोखा देकर ले लिया भैया, कहकर सर पकड़ लिया दर्शन। फिर ब्रोचर को देखकर, अरे रतन भाई, एलपीएम मतलब लिलीपुट मिनिएचर कंपनी, वो हमें पूरी तरह धोखा दिया, लेकिन सारे मेजरमेंट्स वो एमएम में लिखा, एमएम मतलब मिलीमीटर्स। तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने भी सही से नहीं देखा, मेरे लालच को और तुम्हारे स्वार्थ का उसने अच्छी फायदा उठाया। प्रणव 5 करोड़ अपने पिता के हाथों से जिनके प्लॉट्स खरीदकर नुकसान हुए उन लोगों में बांट दिया। सबने प्रणव के चतुराई के लिए उसे बहुत शाबाशी दिए।